नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। एक बहुत खास फल और पत्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं। कुदरत ने हमें इतने अनमोल खजाने दिए हैं दोस्तों कि हम जिनको पहचान ही नहीं पाते। जितने भी मौसमी फल हैं, जितने भी मौसमी सब्जियां हैं, वो अपने आप में इतनी सारी प्रॉपर्टीज लिए हुए हैं, इतनी सारी बीमारियों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अफसोस ना हम जानते हैं और ना जानना चाहते हैं। हम सिर्फ दवाइयों के पीछे भागते हैं। हर चीज के लिए दवाइयों के पीछे भागना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आप तक हमारी सूचना, हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मौसमी फल या मौसमी पेड़ की बात करने वाले हैं वो है शहतूत। शहतूत पर हमने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है जिसमें हमने बताया है कि शहतूत का फल किस तरह इरेक्टाइल डिसफंक्शन से पीड़ित लोगों के लिए वरदान की तरह साबित हो सकता है। लेकिन आज इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। सेक्सुअल स्फेयर पर शहतूत का क्या रोल है, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं शहतूत की पत्तियों की। दोस्तों, शहतूत की पत्तियों में डी ऑक्सीनाजरीमाइसिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। इसके अंदर खास बात क्या है, यह सबसे विशिष्ट बात है जो जनरली ज्यादातर किसी भी प्लांट्स में देखने को नहीं मिलती। ये खाने के बाद बढ़ी हुई शुगर को रेगुलेट करने के काम आता है। जी हाँ, खाने के बाद। तो शहतूत की पत्तियों को आप खाने के बाद अगर कंजम्पशन करेंगे तो वो एक बहुत बेहतर तरीका हो सकता है आपकी ब्लड प्रेशर सॉरी ब्लड शुगर कंट्रोल करने का। इसके अलावा शहतूत की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत सारी पाई जाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको ये शहतूत की पत्तियां खत्म करने का काम कर सकती हैं। और फ्री रेडिकल के खत्म होने का मतलब है, या फ्री रेडिकल्स के कम होने का अर्थ है, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, लीवर, इन सब की सुरक्षा। तो देखिए कुदरत ने कैसा अनमोल खजाना हमें दिया हुआ है जिसको हम जानते ही नहीं। अब जानना यह है कि इन शहतूत की पत्तियों को कैसे इस्तेमाल किया जाए। यह वरदान से कम नहीं है। शहतूत की पत्तियों को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि इनको चाय की तरह उबालकर आप इस्तेमाल करें। चाय की तरह उबालकर आप इनको पी सकते हैं, चाहे तो इसमें थोड़ा मीठा भी आप ऐड कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और ये सबसे यूनिक प्रॉपर्टी इसकी है कि ये खाने के बाद आपके ब्लड शुगर को बहुत तेजी से कम कर सकता है, जिसके अंदर जो डी ऑक्सीनाजरीमाइसिन नमक पदार्थ पाया जाता है। तो ये तो बात हुई शहतूत की पत्तियों की। शहतूत की पत्तियां तो आपको पूरे वर्ष उपलब्ध हो सकती हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि शहतूत के पेड़ लगातार कम होते जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं शहतूत के फलों की। आने वाले 2 महीने जो हैं, ये 15 मार्च से लेके 7-8 मई तक शहतूत के पेड़ फलों से लदे रहेंगे। रंग बिरंगे खूबसूरत शहतूत, काले, बैंगनी, पीले, भूरे, अलग अलग रंग के शहतूत। अब बात यह है कि ये अलग अलग रंग इनके क्यों हैं। शहतूत को जो रंग है वो मिलता है एंथोसाइनिन नामक एक पदार्थ से। ये एक पिगमेंट है जो शहतूत को रंग देता है। लेकिन इस पिगमेंट की बड़ी कमाल की बात है एंथोसाइनिन की, कि इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। तो जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं वो शहतूत के फल का सेवन कर सकते हैं। शहतूत के फल के अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं एंथोसाइनिन नामक इस पदार्थ की वजह से।
लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको कैंसर की एडवांस स्टेज है या ज्यादा गंभीर समस्या है, तो एक बार कोई भी चीज खाने से पहले, शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें जिसके आप ट्रीटमेंट में हैं। साथ ही साथ शहतूत डायबिटीज वाले मरीजों के लिए भी मीठा होने के बावजूद ब्लड शुगर बहुत कम बढ़ाता है, और फैटी लीवर वाले लोगों के लिए तो ये एक वरदान की तरह है। अगर आप 2 महीने लगातार शहतूत का सेवन करते हैं तो आपका फैटी लीवर बिना किसी दवाई के भी ठीक हो सकता है। लीवर की सारी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है। तो अब देखिए इस मौसम में आने वाला शहतूत कितना फायदेमंद है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, एंटी डायबिटीज प्रॉपर्टीज, ब्लड प्रेशर को करेक्ट करने की प्रॉपर्टीज, फैटी लीवर को ठीक करने की प्रॉपर्टीज, शरीर में से फ्री रेडिकल्स खत्म करता है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो, कुदरत का खजाना आपके लिए। कुदरत, प्रकृति ही ईश्वर है, उसने हमें इतने खजाने दिए हैं, उसने हमें इतना सब कुछ दिया है, लेकिन हम उसको ही भूल जाते हैं, उसका ही विनाश कर रहे हैं। तो दोस्तों आने वाले 2 महीने में आप शहतूत जमकर खाइए, आपको बहुत फायदेमंद होने वाला है। और शहतूत की पत्तियां तो पूरे साल मिलती हैं, तो आराम से शहतूत की पत्तियों की चाय बना के पी सकते हैं। ये इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। साथ ही साथ ऐसी ही और जानकारियां पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। और एक बात और मैं जाते हैं तो आपको बता दूं, मैं जितनी जानकारी आपको बताता हूं वो सब रिसर्च बेस्ड जानकारी होती है, रिसर्च पेपर में पब्लिश हुई जानकारियां होती हैं। मैं कोई हवा हवाई बातें नहीं करता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे। गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट homeoblessings.com पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां आपको निशुल्क परामर्श दिया जाएगा, एब्सोल्युटली फ्री। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।